निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। इसके अंदर जैसे गरीबी का अंत है तो इसमें यह है कि जो पुअर पीपल है उसकी मिनिमम पर डे की इनकम $1.25 पर डे इनकम करने का इसमें लक्ष्य है वो है। इसके अंदर जो प्रमुख अभी जो योजनाएं चल रही है जो अभी विक्रम समर्थन मूल्य योजना और कौशल विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अनुसूचित तो ये पहला इसका गोल है गरीबी का अंत करना। दूसरा गोल है भुखमरी साफ करना। भुखमरी तो ये गरीबी राजस्थान के कॉन्ट्रीब्यूशन से देखें तो कितना एक्सीडेंट हो गया और कितना आपको करना है वो इसलिए है उसके लिए अभी हमने निरोगी राजस्थान का कोई और डायरेक्शन आया है अब वो सारा हो गया आपके ब्लॉक स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तरीय किसके पास कितना पेंडिंग है और वास्तव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोगों को देखिए राज संपर्क में जो आपके पहले भी डिस्पोज हो चुके हैं इन सभी में आपने जो भी अपनी डिस्पोज करने के पहले आपका जो आईए या किसी ने भी कोई अनाप शनाप चीज लिखा हुआ उस पोर्टल पे नहीं होना चाहिए। जैसा एक किसी ने लिख दिया था कि बजट उपलब्ध होने पर वो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र के लिए कोई बजट की जरूरत नहीं होती है। तो सीएमओ वाले रिपोर्ट मिली तो ये डिस्पोज कैसे कर दिया डिस्पोज जैसे कहिए कि नाली बनाने का संबंधित लक्ष्य 7 से लेकर के 11 तक के लक्ष्य है वो आर्थिक विकास पर केंद्रित है। रात नंबर का है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 12 से लेकर के जो 15 जो लक्ष्य हैं वो पर्यावरण सतत उपभोग उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। 16 है गुड गवर्नेंस पर केंद्रित है शांति और न्याय के लिए संस्था। और नेक्स्ट 17 है एलटीसी को लागू करने में। आज मंडे मीटिंग का आयोजन जो साप्ताहिक बैठक होती है बिजली पानी सड़क की उसमें लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि मुख्य रूप से जो ये अभी ठंड का मौसम चल रहा है उसमें सभी दवाइयां उपलब्ध रहें आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और जो हमारे उनके सहायता के लिए जो भी हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं उसके भी निर्देश उनको दिए हैं। और जो अभी वीसी ली गई थी 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं जन सुनवाई करने के लिए रात्रि चौपाल में उपस्थित होने के लिए और उसके साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा 1 रुपये किलो गेहूं इन सभी योजनाओं का जो है प्रभावी रूप से जो मॉनिटरिंग की जाए और जो सबसे ज़्यादा महत्व की बात है कि लोगों की परिवेदनाओं पे उनके साथ संवेदनशील रवैया रखते हुए वो सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण इस पे ध्यान दें यही आज मीटिंग में सभी को निर्देश दिया गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होने वाला तो उसकी भी तैयारियों के लिए आज सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण और पुलिस और CRPF और जो संबंधित इसमें एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं उन सभी को निर्देश दिए गए।